हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है वीक टेक पर। मैं हूं वी और आप देखने जा रहे हैं फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ Xiaomi Elite S Plus। सो लेट्स चेक इट आउट। तो चलो चेक करते हैं इस फोन में है क्या, मतलब इस फोन की स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो पहले तो इसमें MediaTek MT6753 चिपसेट है, जिसमें 1.3 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर डला हुआ है और इसमें माली T720 GPU भी है। और अगर रैम की बात करें तो इसमें 3 GB रैम है और 16 GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से करीब 10 GB हमें यूज करने को अवेलेबल होती है। और इसमें हम अपना SD कार्ड भी लगा सकते हैं, SD कार्ड इसका सपोर्टेड है, सो हमें स्टोरेज की इस डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कैमरा की बात करें तो इसमें 13 MP रियर कैमरा है, जिसके अंदर F2.0 अपर्चर है, मीन्स काफी वाइड एंगल फोटोज हम इससे ले सकते हैं। और फ्रंट कैमरा 5 MP का है। इसमें USB टाइप सी भी है। डिस्प्ले इसकी 5.5 इंच की 720p की एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 267 ppi है। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 भी है। इसमें हमें 3150 mAh की बैटरी मिलती है और ये डिवाइस 4G भी है, मीन्स कनेक्टिविटी और बैटरी में दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें एंड्रॉइड वर्जन जो हमें मिलता है वो है एंड्रॉइड लॉलीपॉप, दैट इज 5.1.1। तो चलो अब डिजाइन की बात करते हैं। ये डिवाइस काफी प्रीमियम है, इसकी बैक पर डिजाइन बना हुआ है, पर ये डिजाइन टेक्सचर्ड नहीं है, मींस पूरी बैक ग्लोसी फिनिश में है। और ये डिवाइस 7.6 mm की थिकनेस का है, मींस स्लिम फैक्टर मेंटेन रखा है Xiaomi ने। और राइट साइड पर है पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स। ऑन टॉप हमारे पास है 3.5 mm ऑडियो जैक और नीचे की तरफ है USB टाइप सी पोर्ट एंड मेन माइक्रोफोन। और लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ नहीं है, प्लेन बेजल है। और बैक पर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 13 MP कैमरा विद फ्लैश। और बैक के डाउन साइड पर है हमारे पास स्पीकर। और फ्रंट पर हमारे पास टॉप से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास है सेंसर, ईयरपीस, नोटिफिकेशन LED, कैमरा। और नीचे की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास है 5.5 इंच एमोलेड डिस्प्ले और 3 कैपेसिटिव टच कीज। तो चलो अब डिवाइस की तरफ चलते हैं। तो यह है डिवाइस। इस डिवाइस के टूल्स पैनल नीचे की तरफ से ऊपर की ओर खुलता है और नोटिफिकेशन पैनल ऊपर ही है, जैसा सारे एंड्रॉइड डिवाइस में होता है। बस जो Xiaomi की स्किन है एंड्रॉइड के ऊपर, उसमें ये फीचर है आईफोन जैसा, जिसमें टूल्स पैनल नीचे की तरफ से खुलता है। हैंडहोल्ड फैक्टर ठीक है, मतलब प्रीमियम और स्लिम फील होता है हैंड में, पर वन हैंडेड यूजेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5.5 इंच डिस्प्ले है। फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छे है इस डिवाइस के। डिस्प्ले भी काफी शार्प दिख रही है, कलर्स एक्यूरेट अपीयर हो रहे हैं और व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे दिख रहे हैं। और हम डिस्प्ले के बारे में और बात करेंगे अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है Xiaomi Elite S Plus का रिव्यू। अब बात करते हैं कैमरे की। कैमरा इसका काफी अच्छा फील हो रहा है, इनिशियल इंप्रेशन कैमरे के काफी अच्छे है। और जैसा कि रियर कैमरे में वाइड एंगल लेंस है तो हम ग्रुप फोटो और फैमिली फोटो इजिली ले सकते हैं। कैमरे में काफी फीचर्स है, मैनुअल फीचर्स भी है, तो हम अपनी फोटोग्राफ्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लाइटिंग अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और कैमरा के अंदर डीपली हम बात करेंगे अपने रिव्यू में। और फ्रंट कैमरा काफी अच्छा अपीयर होता है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी दिख रही है। कुछ गेम्स मैंने प्ले किए स्मॉल और थोड़ी मल्टीटास्किंग की, उसमें दिक्कत तो नहीं आई, पर हम हैवी गेम्स प्ले करेंगे और आपको हमारे फुल रिव्यू में बताएंगे कि ये मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस में और हर एक फील्ड में कैसा परफॉर्म करता है। सो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ और आपके सजेशन या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।